अमृतसर से आपको एक और जायका देने लगे हैं। है बेसिक लेकिन बहुत टेस्टी। और ये है जी जनक राज जी की हट्टी, और बहुत सालों से पुरानी है, यहाँ काट लगाते हैं, लेकिन सामने इन्होंने बहुत बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट भी कर रखा है। और इनके पास मिलती हैं जी पूड़ियाँ, और मिलती हैं छोले, आलू की लौंजी, और स्पेशल कचालू और शलगम के अचार के साथ। तो इसका दिखाते हैं आपको टेस्ट और लेते हैं जी मजा। तो अभी यार इसको हाफ डन करके बाहर हवा लगवाई जा रही है ताकि ये फुल क्रिस्पी हो जाए, और अब इसको दोबारा फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए। अभी देखने में पूड़ियां बड़ी प्यारी लग रही हैं। अब पूड़ियां अच्छे से पकाने के लिए यार इसको तेल में बढ़िया तरीके से नहलाया जा रहा है, और पूरी बाहर आ चुकी है। आप देख सकते क्या ही बढ़िया लग रही है देखने में और प्यारी लग रही है। साथ में देते हैं यार आलू की लौंजी। आलू की लौंजी का कलर देखो यार, पीला पीला, क्या ही बात है। पूड़ियों की प्लेट बढ़िया तरीके से लगने शुरू हो चुकी है, और इसके साथ ही देते हैं कचालू का अचार, और साथ में देते हैं शलगम खाने को। छोले देखो जी, जबरदस्त छोले हैं, और क्या जबरदस्त गाड़ी गाड़ी ग्रेवी वाले लग रहे हैं। एक है चीज़ है जी आलू की सब्जी भी साथ में मिलती है जी यहाँ पे। और एक प्लेट है जी 30 रुपीज़ की, जिसमें दो पूड़ियाँ, ये दोनों सब्जियाँ, और आपको मिल जाएगा शलगम का अचार और कचालू। प्लेट हमारी लग रही है जी कचालू का अचार है, साथ में शलगम है जी, और आलू की लौंजी है, छोले हैं, और खुफिया गर्मा गर्म साथ में। तो प्लेट की क्वांटिटी और साइज देखो यार, 30 रुपीज़ में बढ़िया साइज देते हैं यहाँ पे। तो जी हमारी पूड़ियाँ आ गई हैं, और हमने आपको दिखाया था कि काट उनकी बहुत पुरानी है और बेसिक सा आपको लगता है, लेकिन सामने देखिए क्या जबरदस्त हॉल इन्होंने लिया। हम सुबह सुबह आ गए हैं इस समय 6:30 बजे, और अभी थोड़ा सा रश कम है, लेकिन ये हमारी पूड़ियाँ देखिए जबरदस्त, और इसका स्वाद आप तक पहुँचाते हैं। बहुत नाम सुना इसका, इसलिए हम आए हैं आपको ये स्वाद पहुँचाने के लिए। तो जी सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं जी आलू की लौंजी और छोले, ये इन्होंने मिक्स करके दे दिए हैं, और अलग अलग लेना चाहें तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद है उसके हिसाब से। सबसे पहले इसका ही टेस्ट करते हैं जी। तो फिर सुबह सुबह अमृतसर की नगरी से पहला नाश्ता हमारा आपके साथ शेयर करते हैं, देखें टेस्ट। ओहो मज़ा आ गया यार। आप लोगों ने ये कभी खाया है कचालू का अचार? मैं अमृतसर से पहली बार ही टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं जनाब इसका जायका कैसा है। कचालू है, ऊपर इमली की चटनी और मिर्च, और वो एक बार जब जुबान पे लगती है तो थोड़ा सा आपको फील होता है, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर टेस्ट है ना इसका, बहुत ही ज़बरदस्त, आपकी भूख को बढ़ा देगा जनाब। तो पहली पूड़ी अमृतसर में सुबह सुबह नाश्ता, देखते हैं कैसा टेस्ट है जनाब। अमृतसर में आके अगर पूड़ी आलू का नाश्ता नहीं किया तो क्या किया। यस आप भी लीजिए टेस्ट। ओए होए होए, ओ भाई साहब जुबान पे रखते ही घुल गई यार। बिल्कुल सॉफ्ट पूड़ी है, आपको मैं दिखाता हूँ, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर थोड़ा सा पिट्ठी लगाई हुई है, और प्लेन पूड़ी नहीं है जनाब। 30 रुपीज़ में पिट्ठी वाली पूड़ी, दो पीस, दो सब्जियाँ, दो अचार सैलेड के साथ, बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर। देखने में सामने काट इनकी बिल्कुल आपको सिंपल सा देसी सा बेसिक इंतजाम लगेगा, लेकिन बहुत साफ सफाई के साथ बना रहे हैं, और ये एक हॉल इन्होंने सामने अपने कस्टमर्स के लिए, चाहने वालों के लिए बैठ के खाने से आराम से खाने के लिए बना रखा है। और आप भी आइए, पूरा दिन सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक यहाँ पे आपको ये जायका मिलेगा। तो ऐसे ही और जायकों की तलाश में अमृतसर में और हम घूमते रहेंगे। तब तक के लिए गुरु रामदास की बसाई हुई नगरी से अब रखा।